पक्षी है ना जिसने मुझे भयभीत कर दिया था। आप इसे दंड अवश्य देना। अवश्य, परंतु फिर कभी। वो आज शनि की बारी है। इसे बताना है कि इसका हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं। हमें चलना चाहिए मित्र, लगता है कोई समस्या खड़ी होने वाली है। जानता हूँ काकुल, परंतु समस्या से भागना उसका हल नहीं, हल उसका सामना करने से होता है। मित्रों, तो ये है हमारे आज के नए साथी। हमारा आज का लक्ष्य यही है। क्या लक्ष्य? क्या बाण चलाओगे हम पर? शनि, यदि तुम नहीं खेलना चाहते तो बता दो। कहीं तुम अपने इस मित्र अर्ध पक्षी की भांति भयभीत तो नहीं? भयभीत? अरे हम क्यों भयभीत होंगे? आप नहीं जानते मित्र शनि आप सबको एक क्षण में पराजित कर सकते हैं। इनकी एक हुंकार और आप सब उपवन के पार। और हाँ यमज, आप तो जानते हैं इनके एक प्रहार ने आपकी क्या गति की थी। और यम कभी कुछ नहीं भूलता। केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है और वो उचित समय अब है। तो मित्रों, खेल आरंभ करने का। परंतु खेल क्या है? खेल बहुत सरल है, देव और असुर। एक बनेगा असुर और शेष होंगे देव। और मैं असुर बनूंगा। अरे रे जी, क्या तुम क्यों बनोगे असुर? क्योंकि यही नियम है। जो नया खिलाड़ी आता है उसे असुर बनना पड़ता है। अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें तुम्हारा सत्य ज्ञात है। निश्चित रूप से असुर तुम ही बनोगे। वैसे भी तुम दिखने में असुर ही तो लगते हो। इतना कुरूप, इतना सांवला, एक देव पुत्र कैसे हो सकता है? तुम तो वैसे ही हो उस राक्षस तमासुर की भांति कुरूप, जिसका वध मेरे पिता सूर्यदेव ने देवासुर संग्राम में किया था।